दोस्तों नमस्कार। नगर निगम उदयपुर, आज नगर निगम उदयपुर के प्रांगण में काढ़ा वितरण किया गया, यानी कि आज 8 जून है। 8 जून को इस काढ़ा वितरण प्रोग्राम, यानी कि नगर निगम के सभी कर्मचारियों को आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया गया। काढ़े वाले को प्रोत्साहन देने के लिए नगर निगम के आयुक्त अंकित कुमार सिंह जी स्वयं पधारे। उन्होंने भी काढ़े वितरण करने वाले को बधाई दी, धन्यवाद दिया। कई सारे सफाई कर्मचारी भी आए, नगर निगम महापौर साहब, टाक साहब भी इस मौके पर उपस्थित रहे। उपमहापौर श्रीमान पारजी सिंह भी रहे। कई सारे पार्षद, खास तौर पर नगर निगम के सभी कर्मचारी। कारण कि पूरे 2.5 महीने तक नगर निगम उदयपुर ने बहुत ही बढ़िया काम किया। कई जगह कोरोना के पेशेंट भी आए। नगर निगम ने अपने सारे लवाजमे को लगाकर हर वार्ड, हर गली को स्वस्थ किया, साफ सफाई की। और बहुत खुशी की बात है कि नगर निगम उदयपुर ने भी हमारे पूरे उदयपुर शहर में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की समय समय पर। क्योंकि हमें सबको मालूम है कि नगर निगम उदयपुर द्वारा भी प्रत्येक वार्ड में 100-100 राशन किट दिए गए गरीबों के लिए। तो यानी कि नगर निगम ने सफाई व्यवस्था के साथ साथ गरीब के राशन पानी की चिंता भी की। और नगर निगम उदयपुर पूरी, चाहे महापौर साहब हो, आयुक्त साहब हो, उपमहापौर साहब हो, सभी 70 पार्षद हो, सभी ने मिलकर उदयपुर में सेवा भाव से काम किया। नगर निगम उदयपुर ने कई सारे वार्डों में भोजन के पैकेट की व्यवस्था भी की। कुल मिलाकर 2-2.5 महीने के कोरोना में हर समय नगर निगम के सभी कर्मचारी, सभी पार्षद कोरोना योद्धा की तरह लड़ते रहे और हमारे उदयपुर को कम से कम बहुत ज़्यादा कोरोना का शिकार किसी को नहीं होना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे महापौर साहब का, आयुक्त अंकित कुमार सिंह जी का, उपमहापौर साहब का, सभी पार्षदों का और नगर निगम के सभी कर्मचारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप सभी नगर निगम के सभी लोग बधाई के पात्र हैं कि इस मतलब एक परेशानी वाली घड़ी में पूरा नगर निगम एक्टिव रहकर उदयपुर की सेवा में लगा रहा। थैंक यू वेरी मच। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि जो इम्यूनिटी पावर है उसको हमें बढ़ाना है। खासकर ये टाइम ऐसा है, मौसम ऐसा है कि इसमें बीमार वैसे भी आदमी पड़ता है, तो इस टाइप से इम्यूनिटी को थोड़ा बूस्ट हो जाती है। राज्य सरकार द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है और हमने अपने सफाई कर्मचारियों को सभी सेक्टरों में सभी को ये ऑलरेडी डोज एक बार दे दिया है। और आज हमारा लास्ट जो नाला गैंग है जो बचा हुआ है उनको भी हम ये दे रहे हैं और इसका सेवन कर रहे हैं। क्या जो हमारे गैंग छूट गए थे उनको आज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इससे हम कह सकते हैं कि हमारा 100% आपने काढ़ा पिला दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपके आभारी हैं और राज्य सरकार के भी बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हम सब लोगों को, सरकारी कर्मचारियों को व्यवस्था कर दी। नगर निगम के सारे ही स्वास्थ्य सफाई कर्मचारियों को काढ़ा वितरण का पिछले 10 दिनों से ये कार्य अनवरत जारी था। आज इसका समापन का कार्यक्रम था नगर निगम के अंदर। डॉक्टर अदीबा परवीन की ओर से और इनकी पूरी टीम ने बहुत अथक मेहनत किया कि हमारे सफाई कर्मचारी सवेरे 6 बजे हमारे सेक्टर ऑफिस आ जाते थे और 6 बजे के पहले करीबन 4:30-5 बजे ये तैयारी करते होंगे। जब 5:30 बजे वो काढ़ा तैयार होता था और उसके पश्चात 6 बजे से 6:30 बजे तक
हमारे सारे स्वास्थ्य कर्मचारी उस काढ़ा का पीकर अपने अपने सेक्टर के अंदर सफाई का काम करते थे। मैं बहुत ही बधाई देता हूँ इनको कि इस संकट की घड़ी के अंदर कोरोना की जहाँ महामारी चल रही है, पूरे नगर निगम के 2000 करीबन कर्मचारियों को इन्होंने काढ़ा पिलाने का कार्य किया। और इनको इसलिए भी बधाई देना चाहता हूँ कि जिस तरह से लगन के साथ में पूरे शहर के अंदर काढ़ा वितरण का काम कर रहे हैं, इनकी टीम को नगर निगम परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामना प्रेषित करता हूं। और इस वैश्विक महामारी को दूर भगाने के लिए इसी तरह के अगर जतन प्रयत्न करेंगे तभी यह कोरोना हमारे से दूर भगेगा। यह मैं पुनः एक बार इनको और इनकी पूरी टीम को शुभकामना प्रेषित करता हूं। धन्यवाद। जय भारत। जय हिंद। मैं राज्य सरकार के आदेशानुसार ये काम कर रही हूँ। दिनांक 18 तारीख से मैं ये कार्य कर रही हूँ। अभी तक मैंने कलेक्ट्रेट में, नगर निगम में, नगर निगम के सभी सेक्टर्स, जितने भी सेक्टर्स थे वहाँ सब रात के 2 बजे मैं काढ़ा चढ़ाती थी और सुबह 5 बजे अपने काढ़े को छान कर भर कर उसको ना कैंपर में भर कर अब सुबह अपने स्टाफ के साथ चली जाया करती थी। सब लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अभी तक मैंने वृद्धाश्रम में पिलाया, कलेक्ट्रेट में जितने भी कर्मचारी 1500 थे सभी को पिलाया, और जितने भी प्रभावित क्षेत्र थे जैसे अमलकांटा हुआ, सूरजपोल हुए, और थाने जितने भी थाने, सवीना थाना, सूरजपोल थाना, अम्बापोल, ये जितने भी थाने अपने उदयपुर में सभी जगह मैंने ये काढ़ा अभी तक पिलाया, और नारायण सेवा संस्थान में भी मैं पिला चुकी हूँ इसको, और अभी आगे भी मैं ये कार्य करूँगी। और मुझे ये कार्य करके संतुष्टि बहुत मिल रही है क्योंकि ये मेरी खुद, मतलब मेरा खुद का इसमें मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं किसी के काम आ रही हूँ, अपने देश के काम आ रही हूँ। जितने भी योद्धा हैं ये जितने भी वॉरियर्स हैं उनके मैं काम आ पा रही हूँ। जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, हम तो सिर्फ हमारे घर की सफाई करते हैं, हमारे आसपास की पूरे मोहल्ले की सफाई का ठेका तो सर है ना कर्मचारियों ने, नगर निगम ने ही ले रखा है, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और ये सेंट्रल जेल के जितने भी कैदी हैं, करीबन 1200 कैदी हैं और महिला कैदी हैं, इन सबको भी मैंने ना जोशांदा पिलाया, और वहाँ के जितने हमारे जेलर साहब हैं और एक डिप्टी जेलर है हेमंत जी, इनको और इनके जितने भी स्टाफ के मेम्बर्स हैं सभी को मैंने जोशांदा पिलाया। 8 जून भारतीय जनता पार्टी उदयपुर ने प्रधानमंत्री का पत्र, यानी कि 8 जून को प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद जी कटारिया ने बोहरा गणेश जी मंदिर से माननीय प्रधानमंत्री जी का पत्र, यानी कि इस तरह के ये पैम्पलेट आए हैं, इस पैम्पलेट को श्रीमान जी गुलाब चंद जी कटारिया, उदयपुर शहर अध्यक्ष रविंद्र जी श्रीमाली, हंसामाली, मनोहर जी, यानी कि सभी कार्यकर्ताओं ने माननीय प्रधानमंत्री जी के इस पत्र को घर घर जाकर बांटा और बोरा गणेश जी से शुरुआत की। यानी कि हमारे उदयपुर शहर में खासतौर से जो भी मंगल काम होता है, जो भी अच्छा काम होता है, वह सबसे पहले बोरा गणेश जी से शुरू की बात की जाती है। इसी मौके पर राजस्थान प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद जी कटारिया ने माननीय प्रधानमंत्री जी के पत्र को बोरा गणेश जी के क्षेत्र में घर घर जाकर दिया। आइए हम बाकी के सारे दृश्य दिखाते हैं। कई लोग भारतीय जनता पार्टी के राणा प्रताप मंडल के कार्यकर्ता, कई सारे पार्षद, मैं स्वयं भी छोगालाल, यानी कि हम सब लोग गुलाब चंद जी के साथ गए और माननीय प्रधानमंत्री जी का पत्र सभी घरों में दिए, यानी कि आज इसका आगाज हुआ उदयपुर में। एनडीए सरकार का ये दूसरा टर्म है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और इस समय की सरकार ने जो ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, एक साल पूरा होने के कारण से उसकी जानकारी जन जन तक पहुँचे, इसके लिए संपूर्ण देश में आज सभी लोग प्रत्येक पोलिंग स्टेशन पर अपने प्रधानमंत्री जी का पत्र घर घर जाकर के पहुंचाना है, उन सब नियमों का पालन करते हुए जो इस लॉकडाउन के लिए आवश्यक है। और मैं सोचता हूं कि ये जो ऐतिहासिक काम इस दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष में हुआ है, मैं तो सोचता हूं मेरी ज़िंदगी के जो 58 वर्ष की जो तपस्या है उसको अगर कहीं सार्थक होते हुए पहली बार मेरी ज़िंदगी में देखा, तो राम मंदिर का जो विषय उलझा हुआ था, जिसके लिए सारा देश लालायित था कि राम अयोध्या में मंदिर बने, वो स्पष्ट होकर के आज वो काम आगे बढ़ा है। धारा 370 जिसके लिए जनसंघ की स्थापना करने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने प्राण दिए थे, वो धारा 370 हटी, 35 से हटा,
तो हमारी सब कल्पना का भर है। फिर क्या है कि इस देश में पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जिनको वहाँ नारकी जीवन जीना पड़ रहा था, इसलिए अपना घर बार छोड़ करके जो लोग इस हिंदुस्तान में आकर के कोई 18 वर्ष से रह रहा, कोई 20 वर्ष से रह रहा, कोई 15 वर्ष से रह रहा, लेकिन उनको नागरिकता अधिकार नहीं मिलने के कारण से यहाँ उनका नारकी जीवन था। वैसे तो कानून पहले भी था कि उनको 11 साल के बाद उनकी नागरिकता का प्रोसेस शुरू हो सकता, लेकिन इस कानून के तहत केवल एक समय अवधि 5 साल से जिसको ज़्यादा हो गया, और कोई डॉक्यूमेंट हो या न हो, किसी वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, केवल एक वेरिफिकेशन की ज़रूरत है कि 5 साल पहले वहाँ से हिंदुस्तान में आकर के फला जगह रह रहे, उनको नागरिकता मिलेगी, उनके बच्चों की पढ़ाई की, छात्रवृत्ति की, नौकरी की, मकान की, प्लॉट खरीदने की, सब प्रकार के हिंदुस्तान के सामान्य नागरिक जैसी सुविधा मिल जाएगी। तो एक ऐतिहासिक फैसला था। मैं सोचता हूँ कि ये पहली बार मैंने एक राशन कार्ड सारे हिंदुस्तान में चलेगा। कोई यहाँ का लेबर अगर जाकर के कर्नाटक में भी काम करेगा तो अपने परिवार के उसी राशन कार्ड से 4 यहाँ भी ले सकते हैं, 2 वहाँ भी ले सकते हैं। ये एक नई व्यवस्था जो है वो लागू की है। तो वास्तव में इस दूसरे कार्यकाल का जो ऐतिहासिक फैसले हुए हैं, जो हिंदुस्तान का मान सम्मान जिसने बढ़ाया, उसके एक साल की अवधि पूरे होने पर, पहले तो हमने हमेशा हर साल पूरा होता था, कोई पब्लिक फंक्शन करके कोई आम सभा करते थे, लेकिन इस लॉकडाउन के टाइम पर ये तो संभव नहीं है। इसलिए घर घर जा कर के प्रधानमंत्री जी के पत्र को भेज करके उनके एक साल में किए हुए कामों के बारे में संपूर्ण देश की जनता को जानकारी देना, इसके लिए हर कार्यकर्ता लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए, सभी बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा नेता अपने अपने क्षेत्र में ये पत्रक बांटेगा। अच्छा, कोरोना के बीच में और लॉकडाउन के बीच में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपनी रूटीन लाइफ में आई है, आम जनता से क्या कहना चाहेंगे, वो कैसे अपनी जिंदगी? देखो, सामान्यतः हम रूटीन में तो थे, लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए। उदयपुर की धरती पर सब लोगों ने देखा होगा, जब से लॉकडाउन हुआ हमने सेवा के जितने प्रकल्प हो सकते थे, जिस तरीके से भी जनता की उस समय मदद की जा सकती, अपने नियमों की पालना करते हुए मदद करते रहे। लेकिन लॉकडाउन के कारण से कई लोगों के दिमाग में यह है कि यार लॉकडाउन क्यों किया, पहले जब कम जो संक्रमित थे उस समय तो लॉकडाउन हुआ, अब संक्रमित बढ़ रहे हैं तो लॉकडाउन खोल दिया, ये क्या है। मैं सोचता हूँ अगर वो लॉकडाउन उस समय नहीं लगाते तो आप और मैं दोनों मास्क बांधना नहीं सीखते, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं सीखते, और फिर जो मेडिकली हमारी तैयारी थी, हिंदुस्तान में एक पीपी किट नहीं बनता था। अगर उस समय ये खोल देते तो ये जो संक्रमण आज 1-2 लाख से ऊपर पहुंचा है, ये 1 करोड़ के आसपास पहुंच जाता। तो मैं सोचता हूं कि उसके कारण से जो हमारी हॉस्पिटल की तैयारी है, जो एक तरह से वेंटिलेटर की तैयारी है, जो बेड की तैयारी है, सुविधाओं की तैयारी है, कोरोना से आने वाले लोगों को कहीं उनको होम क्वारंटाइन कराना है या क्वारंटाइन सेंटर पर रखना है, उसकी तैयारी, उसके कारण से दुनिया में सबसे कम लोगों की डेथ अगर कहीं हुई तो हिंदुस्तान में हुई। ये लॉकडाउन के कारण संभव हो सका कि सारा छोटा 3 साल का बच्चा भी अब इस बारे में बोलता है कि मास्क लगा के बाहर निकलो। तो ये जो प्रिकॉशन लेने की जो आदत बनी वो इसके कारण से बनी। अगर उस दिन पहले ही दिन खोल दिया जाता तो मैं सोचता हूँ 15-20 दिन में हिंदुस्तान तोबा तोबा कर जाता जैसा अमेरिका कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जो हमारे जिलाध्यक्ष भी हैं बीजेपी के। ये प्रोग्राम कहाँ कहाँ होगा और कौन किस किस जगह होगा सर? भाई रविंद्र जी, उदयपुर शहर जिला के अंदर दो विधानसभा है, उदयपुर शहर और उदयपुर ग्रामीण। इस 12 ही मंडलों के अंदर लगभग 21 स्थानों पर इसका शुभारंभ हुआ है, और यहाँ पे आगाज आदरणीय गुलाब सिंह कटारिया साहब ने बोरा गणेश क्षेत्र में यहाँ पर दर्शन करके और घर घर जाके संपर्क किया है। मेरा मानना है कि जिस प्रकार से बूथ संपर्क का बूथ मजबूत, तो वास्तव में पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता तक पहुंच बनती है, तो इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए आज घर घर संपर्क किया है, और 1 साल की जो उपलब्धि है उस उपलब्धि को भी आदरणीय कटारिया साहब ने इस पत्रक के माध्यम से जानकारी दी है। इस आत्मनिर्भर भारत बनाने में क्या क्या किन किन वर्गों को इसके अंदर राहत दी गई है वह भी इस पत्रक के अंदर है। तो मेरा मानना है कि प्रत्येक घर के अंदर ये पत्रक जाएगा तो मोदी सरकार की उपलब्धि और इस कोरोना संक्रमण काल के अंदर जिस प्रकार से जो उपाय किए हैं उसकी भी जानकारी है। तो जिस मैं इसलिए आप सबका, सभी शहरवासियों का बहुत आभार करूंगा,
और चैनल का भी आभार करूंगा कि आपने वास्तव में ये जानकारी घर घर तक पहुंचाने का आपने प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे उदयपुर शहर के जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के रविंद्र जी श्रीमाली। मोरे भाता मोरे भैया सुन लेना, मरता नू जिंदगी दा दान कर ले, नेकी का कोई ऐसा काम कर ले, रक्तदान कर ले, रक्तदान कर ले, रक्तदान कर ले रे, रक्तदान कर ले। जीता है हर कोई दूजों दे वास्ते जो जान दे। 8 जून भारतीय जनता पार्टी ओबीसी ने आज एक रक्तदान शिविर का आयोजन करवाया। भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मंच द्वारा यह रक्तदान शिविर नंद भवन में आयोजित किया गया। इस मौके पर राजस्थान प्रतिपक्ष के नेता श्रीमान गुलाब चंद जी कटारिया, MLA फूल सिंह जी एवं भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ लोग यहां पधारे। हंसा पाली, गजपाल सिंह जी, युष्टर जी कुमावत और सभी पार्षद और सभी ओबीसी के कार्यकर्ता, मान लो कोई प्रदेश के जैसे ये जगदीश जी शर्मा है और कई सारे देवेंद्र जी साहू है वगैरह, यानी कि रक्तदान शिविर का आयोजन ओबीसी के द्वारा किया गया। ओबीसी के अध्यक्ष श्रीमान रेवाशंकर जी माली यहां उपस्थित रहे। रेवाशंकर जी माली के नेतृत्व में यहां जिन जिन लोगों ने रक्तदान किया उसका सम्मान किया गया। और ये कितनी खुशी की बात है कि रक्तदान में पुरुषों के साथ साथ अब महिलाएं भी रक्तदान करने में आगे आई है। इस मौके पर श्रीमान युष्टर जी कुमावत ने, श्रीमती हंसा माली ने, श्रीमान कई लोगों ने, रविंद्र जी श्रीमाली ने, जिन जिन लोगों ने रक्तदान किया उन सबका सम्मान किया गया। और एक बार फिर बता दूं कि ये सारे दृश्य नंद भवन उदयपुर के हैं, ओबीसी मोर्चा उदयपुर द्वारा, यानी कि ओबीसी मोर्चा उदयपुर द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजित किया गया। थैंक यू वेरी मच। ऐसा काम कर ले, रक्तदान कर ले, रक्तदान कर ले, रक्तदान कर ले रे, रक्तदान कर ले। जो जान दे गगमा गर धापा पापा मा पगामा, अपने लिए जीता है हर कोई दूजों दे वास्ते जो जान दे, दूजों के दुख को भी अपना दुख माने और अपनी खुशियों दी चाबी लान दे, खुद से खुद की तू
पहचान कर ले, खुद से खुद की तू पहचान कर ले, रक्तदान कर ले, रक्तदान कर ले, रक्तदान कर ले रे, रक्तदान कर ले। ऐसा काम कर ले, रक्तदान कर ले, रक्तदान कर ले, रक्तदान कर ले रे, रक्तदान कर ले। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।